चलो भाई, तो फाइनली एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली ना जिसको देख के अंदर से खुशी हो रही है। हम पिछले कुछ टाइम से सलमान भाई को देख रहे थे, वो थोड़े से आउट ऑफ शेप नज़र आ रहे थे और उसका रीज़न हमें पता था कि कुछ ना कुछ हेल्थ इशू था उन्हें। और ये आर्टिकल ही हमने पढ़ लिया था बहुत टाइम पहले ही, वो यूएसए जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वहाँ पे हमें पता चला था कि डॉक्टर ने भी उन्हें जिम करने से, वर्कआउट करने से मना कर दिया था। और अभी एक हफ्ते पहले जब इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच में सलमान भाई स्टार स्पोर्ट्स पे आए थे, तो उस पूरे सेगमेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्हें एक टाइगर 3 की शूटिंग करते समय बहुत ही भयानक शोल्डर इंजरी हो गई थी, एक थाई इंजरी भी हो गई थी उन्हें, हैमस्ट्रिंग रिलेटेड कुछ तो हुआ था। तो उन सारी चीज़ों की वजह से वो ढंग से वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे और वही एक रीज़न है कि वो थोड़े से आउट ऑफ शेप दिखाई दे रहे थे। बट ये फोटो जो अभी आई है ना, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये लग रहा है कि ये 2016 की फ़ोटो है, सुल्तान के टाइम की। आप पूरी की पूरी इनकी बॉडी देख सकते हो, प्रॉपर शेप में दिख रही है सलमान भाई की बॉडी। और ये तो बस शुरुआत है गाइज, इन्होंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हो कि इनकी टी शर्ट जो है पूरी चिपकी हुई है बॉडी से, यानी कि वर्कआउट करके ही आए हैं, यानी कि वो जो हार्डकोर वर्कआउट है ना वो शुरू हो गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी साइन है इनकी आने वाली फिल्म के लिए, जो कि करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, विष्णुवर्धन डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन कैक्टस पे बेस्ड है। आप जाकर वहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पढ़ सकते हो गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही तगड़ी जो है इस फिल्म की पूरी सेटिंग होने वाली है। इस फिल्म का जो पूरा जॉनर है ना, बहुत ही धांसू होने वाला है। इस पे आने वाली वीडियो में मैं इस पे खुल के बात करूंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस ब्रिगेडियर का रोल प्ले कर रहे हैं, पैरामिलिट्री ऑफिसर, तो मैं इस पे ढंग से आपको बताऊंगा। बट ये जो फोटो है ना, ये बिल्कुल 2016 की लग रही है। और 2016 सुल्तान से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बल्कड अप वाला लुक, बिल्कुल नहीं। वो जो जब सलमान भाई लास्ट में क्लाइमैक्स के लिए जो वापस से शेप में आता है ना, वो वाला लुक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और बहुत सुकून मिल रहा है यार, एक बार चाम देखो फेस पे, वो ग्लो देखो यार, बहुत कुछ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है देख के। और आई होप कि अभी आने वाला जो वीकेंड का वार है, वहाँ पे हमें और अच्छी तरीके से देखने को सलमान भाई मिले। बस एशली रबेलो सर थोड़ा सा टी शर्ट वीशर्ट पहना दे सलमान भाई को, हमने शर्ट में, सूट में, ब्लेजर्स में बहुत बार देख लिया, जैकेट्स में बहुत ज़्यादा देख लिया है, अब थोड़ी सी टी शर्ट में आना चाहिए सलमान भाई को। फुल टी शर्ट ही दे दो, आग लगते हैं कसम से बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।